Assalamu alaikum students how are you students as you know we are reading chapter number four of computer data storage media and we uh, our pre previous lecture was about measuring memory and about computers memory and types of computer memory today's lecture is about types of computer memory primary memory and secondary memory let's start primary memory द प्राइमरी मेमरी इज आल्सो नोन एज द मेन मेमरी और द इंटरनल मेमोरी लाइक ये आपको जो है वो आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास इसकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी और इसको इंटरनल यानी आप जो है वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमरी भी कह सकते हैं अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमरी कंप्यूटर प्राइमरी मेमरी के बगैर काम नहीं कर सकता इट इज़ डेट द एरिया ऑफ मेमरी डैट होल्ड ओनली दो पीसीज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करंटली वर्क ये आपका प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपके कंप्यूटर की उन पे को कंट्रोल करती है या डाटा या इंस्ट्रक्शन देती है जिसपे कंप्यूटर ने करंटली यानी रिसेंटली वर्क किया हो नेक्स्ट है हमारे पास द डाटा ऑन द प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द सीपीयू वो आपके डाटा को जो है वो डायरेक्टली सीपीयू को जो है वो प्रोवाइड करती है द सीपीयू रीड सीपीयू फिर उसको रीड करता है एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी प्राइमरी मेमोरी Continuously and execute them as when the when required. The primary memory can be divided into two parts. Abhang primary memory ko bhi further two parts may divide kar number one RAM. RAM means R for random, A for access and M for memory. And ROM. ROM means R for read, O for only and M for memory. हेर इज अ की वर्ड अबाउट प्राइमरी मेमरी इट इज़ अ मेमरी द कंटेंट ऑफ विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड एक्सिस्ट बाय द सी पी यू यानी कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी डाटा अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्ट उसको सी पी यू को देगा और फिर सी पी यू उसको रीड आउट करेगा नेक्स्ट है हमारे पास रैम द फॉलोइंग आर द करेक्टर ट्रिक्स ऑफ रैम रैम जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी को हमने फर्दर टू जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया था रैम एंड रोम फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम रैम को पढ़ेंगे द फॉलोइंग आर द करेक्टर ट्रिक्स ऑफ रैम रैम इज़ रीड एंड राइट मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन रिटर्न ऑन टू इस पर आप इंफॉर्मेशन को राइट भी कर सकते हैं यानी लिख भी सकते हैं एंड रीड फ्रॉम रैम और इसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हैं एंड रैम होल्ड द इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा ओन विच यू आर करंटली वर्क जो आपने जो है वो रिसेंटली कंप्यूटर पर काम किया होगा या आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो दोनों जो है वो रैम के जरिए आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस और वैन आ कम्प्यूटर स्टार्ट जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है इट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू रैम जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है वो रैम पर हो रहा होता है एंड वेन यू आर वर्किंग और जब आप काम कर रहे हो होते हैं ऑन एनी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम पे आप एग्जांपल ले लें कि आप वर्ड पे काम कर रहे हैं कुछ टाइप कर रहे हैं यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रोग्राम लोडेड इन द रैम आप एक्चुअली किस पे काम कर रहे होते हैं रैम पे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी इट रिटर्न इट रिटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फॉर एज लोंग एज द पावर इज़ ऑन जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक इसमें इंफॉर्मेशन जो आप जो है उसको दे रहे हैं वो स्टोर रहेगी वैन द पावर सप्लाई इज़ स्विचट ऑफ जब पावर सप्लाई चली जाएगी यानी आप कंप्यूटर बंद कर देंगे द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन द रैम इज़ लॉस तो जो आपने लिखा होगा या जो भी डाटा आपने सॉव सेव किया होगा वो लॉस्ट हो जाएगा यानी वो ख़त्म हो जाएगा द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर इफेक्ट द नंबर एंड साइज ऑफ प्रोग्राम्स डेट अ सिस्टम कैन रन एट द सेम टाइम आपकी रैम पे डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितने इफेक्ट्स या कितने प्रोग्राम को सिक्के सिस्टम को चला सकता है एक वक्त में फॉर एग्ज़ाम्पल अ कंप्यूटर विद हायर रैम विल बी एबल टू लोड मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्विकली अगर आपके कंप्यूटर की रैम बहुत अच्छी है तो आपका कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक ही वक्त में लोड कर सकता है नेक्स्ट है हमारे पास रोम द फॉलोइंग आर द करेक्टरिक्स ऑफ रोम नंबर वन रोम इज़ द रीड ओनली मेमोरी ऑन रोम डाटा इज़ प्री रिकॉर्डेड विच कैन ओनली बी रीड यानी कि आप जो है वो आप इसके जरिए रोम के जरिए अपने डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं रोम इज़ अ नॉन वोलाटल मेमोरी एंड इट रिटर्न द कॉन्टेंट वेन इम इवन वैन द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ जब आप अपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं रोम में आपका तब भी डाटा सेव ही रहेगा इन द मोस्ट कंप्यूटर रोम इज़ यूज फॉर स्टोरिंग अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि आपने जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं या उसने आपको आउटपुट दी है इसको सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है दिस सॉफ्टवेयर हेल्प टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑन और ये जो है वो आप जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये उन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो ऑन कर देगा इसका कीवर्ड है हमारे पास आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट भी करना है और इनको लर्न भी करना है रॉम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमरी इट इज़ अ नॉन वोलेटल मेमोरी दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द बायोज प्रोग्राम यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नेक्स्ट है हमारे पास बूटिंग प्रोसेस क्या है द प्रोसेस ऑफ ए कम्प्यूटर गेटिंग स्टार्ट एंड बिकम रेडी टू बी यूज कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस या उसको यूज़ करने के लिए रेडी करने के प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं

रैम एंड रोम के बारे में पुट द फॉलोइंग फीचर अंडर द करंट कॉलम्स रैम एंड रोम आपको कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपने उनको फाइंड आउट करके लिखना है कि कौन सी रैम की करेक्टर टिक्स हैं और कौन सी रोम की हैं नंबर वन है वोलाटाइल इन नेचर एल यू नो वोलाटाइल इन नेचर इज़ रैम एंड नॉन वोलाटाइल इन नेचर नॉन वोलाटाइल इन नेचर इज़ रोम रीड ओनली मेमोरी आर फॉर रीड ओ फॉर ओनली एंड एम फॉर मेमरी रीड ओनली मेमोरी इज़ रोम

आंसर क्वेश्चन रैम रैम इज़ रीड राइट मेमोरी रैम इज़ वोलेटल मेमोरी इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रोम रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी रोम इज अ नॉन वोलेटल मेमोरी एज़ इट रिटेन्स द कॉन्टेंट विच वैन सॉरी इवन वैन द पावर इज़ स्विस्ड ऑफ यहाँ पे आपने अपने नोट्स पे डेट भी मेंशन करनी है और क्वेश्चन नंबर टू को लर्न भी करना है आई होप यू आर एल अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच